तो फाइनली गाइज आपने मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन तो देखा ही होगा, लेकिन उससे भी अच्छा यह था कि जिसने मेरा वीडियो राशियों वाला देखा था और वह बहुत अच्छी धनराशि भी जीता था। लेकिन अगर जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लेना, क्योंकि अपने में पहले मैं आपको सबूत देता हूँ, क्योंकि मैंने जिसने मेरा पिछले वीडियो देखा था वो थोड़ी बहुत ही धनराशि नहीं गाइस, वो बिल्कुल अच्छी खासी धनराशि जीता था। और मैंने उसमें पहले ही बता दिया था कि कौन से खिलाड़ी कैसे खेलेंगे, और मैंने मोहम्मद सिराज का नाम भी लिया था। आप मेरी वीडियो के एक मिनट 45 सेकंड पर जाके देख सकते हो, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, उससे लेकर आप 3 मिनट लग देख सकते हो इस वीडियो को, और बाकी आप सारी वीडियो देखोगे तो यह उससे भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग साइंस पढ़कर ऐसा सोचते हैं कि भगवान राशि ग्रह कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब भारत ने चंद्रयान 3 छोड़ा था उसमें तो सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखा गया था, राशि ग्रह और नक्षत्रों का खास ध्यान रखा गया था। तो चलो अब हम चलते हैं वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और मैं गाइस ऐसा बड़े से बड़ा यूट्यूबर नहीं छाती ठोककर बताता कि आज ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, लेकिन तुम्हारा भाई हर एक वीडियो में ऐसे बताता है कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलेगा और कौन सा नहीं, और ये भी पक्का दावा करके बताता है, और बड़े से बड़ा यूट्यूबर नहीं बताता, और तुम्हारा भाई जो बताता है वो प्रेडिक्शन गलत होने की संभावनाएँ ना के बराबर होती हैं, लेकिन बड़े यूट्यूबरों के प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वे मैच पिच रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बस सिर्फ एक चीज देखता है, वो है कुंडली ग्रह राशि, बस यही देखकर हम बताते हैं और छाती ठोक कर प्रेडिक्शन करते हैं। और जिस खिलाड़ी पे मुझे डाउट होता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आज के दिन मुझे इस खिलाड़ी पर डाउट है, क्योंकि उसके राशि और ग्रहों के आंकड़े मध्य होते हैं। लेकिन इस मैच में हम आपको हर एक खिलाड़ी के बारे में बताएंगे कि इस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा। तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। तो चलो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के प्लेयरों के बारे में। तो आपको इंडिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा केएल राहुल का, लेकिन केएल राहुल पे गाइस थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हम आगे भी आपको केएल राहुल के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं उन खिलाड़ियों के बारे में बता दे रहा हूँ जिनका मुझे पक्का पता है और इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा भी। वो खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का इस मैच में अच्छा प्रदर्शन रहेगा और ये बहुत अच्छा खेलेंगे इस मैच में। और अगले खिलाड़ी हैं इंडिया के वही बॉलर जिसने पिछले मैच में कमाल किया था, मोहम्मद सिराज। इस खिलाड़ी का भी वैसा ही प्रदर्शन रहेगा और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा देखने को मिलेगा आपको इस मुकाबले में, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके देंगे अपनी टीम के लिए ये मोहम्मद सिराज। तो गाइस अगले खिलाड़ी हैं अपनी टीम के ईशान किशन। ईशान किशन का भी इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा इस मैच में, ईशान किशन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। और अगले खिलाड़ी हैं इंडिया के ही बॉलर, उसका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा का भी अच्छा प्लेयर रहेगा और अच्छा प्रदर्शन रहेगा, सॉरी गाइस अच्छा प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा का। और अगले खिलाड़ी हैं गाइस हमारे इंडिया की तरफ से ही केएल राहुल के बारे में हम बात कर रहे थे। केएल राहुल के गाइस दो तरफ के आंकड़े बने हुए हैं, अगर इनके आंकड़े चलने लगे तो यह का पता शतक भी लगा दें, शतक भी लगा सकते हैं गाइस। जी हाँ गाइस आप बस ध्यान से सुनना, लेकिन इनका बीच का प्रदर्शन तो अवश्य ही रहेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन इनका बहुत ही सबसे खतरनाक प्रदर्शन भी हो सकता है इस मुकाबले में। केएल राहुल पर थोड़ा सा डाउट है गाइस, इसलिए मैं बता रहा हूँ इनका पूरा तगड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, ये शतक भी लगा सकते हैं और लगभग बीच का प्रदर्शन तो करके देंगे ही अपनी टीम को, बीच का तो इनका रहेगा, मध्य रह सकता है, मध्य से ज़्यादा का भी प्रदर्शन हो सकता है, मध्य हो सकता है, मध्य से ज़्यादा का हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं अगर आपको एक अच्छी बात बता के चलूँ तो सही रहेगा, आप प्रेडिक्शन अच्छा कर पाओगे, आप अच्छे से अच्छा खेल पाओगे। मैं आपको अच्छी बात ये बता रहा था कि अब की बार ये मुकाबला इंडिया में खेला जाएगा और इंडिया और राशि और ग्रहों के आंकड़े बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, मुझे पता करने में आसानी हो रही है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में। तो गाइस जी हाँ आपको इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मिचेल मार्श का बहुत ही तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मिचेल मार्श इनके ऑलराउंडर हैं लगता है, ये इनका प्रदर्शन बिल्कुल ही तगड़ा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगले खिलाड़ी हैं टीम डेविड का भी, अगर इनको बैटिंग मिली तो इनका भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहेगा। और इनके अगले हैं बॉलर हैं इनके स्पिनर एडम जैम्पा का भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में। तो चलो गाइस अब हमारे खिलाड़ी को कवर करके चलते हैं कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा। तो इस मैच में केकेआर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको पैंट कमिंग्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे, इनका मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में।
और गाइस आप ध्यान से सुनना, मैं कैमरन ग्रीन का बता रहा हूँ। कैमरन ग्रीन या तो बीच का प्रदर्शन करेंगे या बीच से कम का प्रदर्शन रहे करेंगे। इनके ये राशियों के और ग्रहों के आंकड़े बने हुए हैं। इनका मध्य प्रदर्शन रह सकता है या मध्य से कम का प्रदर्शन रह सकता है इस मुकाबले में। और ग्लेन मैक्सवेल का गाइस मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा। ग्लेन मैक्सवेल का मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा गाइस। और मार्कस टोइनिस का मध्य प्रदर्शन रहेगा, बीच का प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में। तो चलो अब एक बार हम इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस खिलाड़ी का मध्य प्रदर्शन रहेगा और किस खिलाड़ी का मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा। तो आपको इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर का मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में, बीच से कम का प्रदर्शन वॉशिंगटन सुंदर का। और अगले खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी, इनका भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, इनका भी मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में। और मैं अब बात करने वाला हूं कि जिन जोन जोन से खिलाड़ियों का बीच का प्रदर्शन रहेगा, मतलब मध्य प्रदर्शन रहेगा, वो है रविंद्र जडेजा और इसी के साथ साथ रविचंद्र अश्विन। इन खिलाड़ियों का बीच का प्रदर्शन रहेगा, मध्य प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में। तो गाइज बचे हुए खिलाड़ी कुछ रह गए थे, मैं उनके बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। सुरेश अय्यर, शुभमन गिल और इन दोनों खिलाड़ियों का बीच का प्रदर्शन रहेगा, मध्य प्रदर्शन रहेगा, ये अपना मिडल प्रदर्शन कर पाएंगे इस मुकाबले में। और ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, इनका बढ़िया प्रदर्शन रहेगा इस मुकाबले में। और केएल राहुल पर गाइज में डाउट था, मैं कह रहा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ। केएल राहुल खेलने को लगता है ये शतक भी लगा दे क्या पता, लेकिन इनका बीच का प्रदर्शन तो अच्छा रहेगा, बीच से अच्छा भी रह सकता है। और इसे ऐसे ही आंकड़े बने हुए हैं जसप्रीत बुमराह के, बुमराह भी बीच का तो अवश्य खेलेंगे, बीच से अच्छा भी खेल सकते हैं जसप्रीत बुमराह। तो गाइज मैं एक बार और आपको जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको आपने मेरी कुछ बात आपको आपके समझ में नहीं आई हो तो मैं इंडिया के बारे में बता दे रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, बाकी अगर कोई ध्यान में रह गया तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैं जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। इन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहेगा जो जिन जिनके मैंने अभी नाम लिए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं भी आपको एक बार नाम लेके बता दे रहा हूँ किस किस खिलाड़ी का कैसा रहेगा। मध्य से कम का प्रदर्शन तो रहेगा उसका पैंट कमिंग्स का, और गैलेन मैक्सवेल का भी मध्य से कम का प्रदर्शन रहेगा, और एडम जैम्पा का बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, टिम डेविड का बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, मिचेल मार्श का भी बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, और बीच का प्रदर्शन रहेगा मार्कस टोइनिस का। तो गाइज आपने ध्यान से सुने ही होंगे, बस वीडियो में इसी के साथ साथ इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।